अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। धामी ने हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजन और दूध अभिषेक किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मां गंगा मोहिनी और जीवनदायिनी है। इसके साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद लेने निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। माँ गंगा हमारी मोक्षदायिनी है, माँ गंगा हमारी जीवनदायिनी है। और माँ हम लोग जब भी कोई एक अच्छे काम के लिए निकलते हैं या किसी काम का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहले माँ गंगा का ही स्मरण करते हैं। और मुझे भी, मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए जो काम दिया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं माँ गंगा का पूजन करूं। और हमारे जो साधु संत समाज के लोग हैं, जो हमारे विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका एक तरह से पूजन उनका भी साथ में करके, उनका अभिनंदन करके हम लोग अपनी यात्रा आगे चलाने वाले हैं। इसलिए आज मैं इस माँ गंगा के तट पर आया हूँ। देखिए, बार बार ये बात आ रही है कि कम समय रह गया, ज़्यादा समय रह गया। काम करने के लिए कम समय कभी नहीं होता है, काम करने के लिए एक दिन भी बहुत होता है। जितना समय है हम उसमें क्वालिटी देने का काम करेंगे, क्वालिटी देने का। नहीं नहीं, जो हमारे से पहले वालों ने जो मत है वही मत मेरा भी है, और निश्चित रूप से हम किसी को जो है उससे प्रभावित नहीं होने देंगे, ये हमारा मत है। साहब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं और माई का खूब आशीर्वाद है इन्हें। आज सीएम बनकर के पहली बार आप हरिद्वार आए, अपने हर की पौड़ी पर आकर माँ गंगा का पूजन किया, अभिषेक किया, सभी संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का सम्मान किया। उसके पश्चात सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े में आए, भगवान कार्तिक का यहाँ आशीर्वाद लिया। पूज्य रविंद्रपुर जी महाराज, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, मेरे अत्यंत प्रिय, आपने उनका स्वागत किया, हम लोगों ने उनका आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड प्रदेश सकुशलतापूर्वक चले, क्योंकि आगामी यहाँ चुनाव है, उसको लेकर के बहुत संघर्ष करना है। और मुझे लगता है कि एक यशस्वी सीएम, एक यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को मिला है, उत्तराखंड प्रदेश को मिला, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को मिला। उत्तराखंड सरकार निस्संदेह इस कार्य को लेकर के सीएम साहब के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य करेगा। संतों का आशीर्वाद इन्हें है और ये बहुत सरल हैं, सौम्य हैं, संतों के बहुत परम सेवक हैं।